वेलकम टू KDC। आज हम अपनी इकोनॉमी की करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन, हमारी इकोनॉमी नहीं, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन की सिचुएशन में है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव्स हमें इम्पेक्ट कर रहे हैं। अब वो नेगेटिव स्टूडेंट को कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, ये हमें आज डिस्कस करना है और उनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट एंड की बात करें तो हम जो फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन ये है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोचिंग हमारी बंद है, और इन दोनों का होमवर्क करने के लिए हम जो घर पे टाइम टेबल फॉलो करते थे वो भी अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस नेगेटिव सिचुएशन से हम ओवरकम कैसे करें और पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें, ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि स्कूल में हम पहले अपने एटलीस्ट 6 to 8 hours डिवोट करते थे, जो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इन द सेम वे हम घर पे आने के बाद कोचिंग जाते थे तो जो हमारे 2 to 3 hours थे वो भी यूटिलाइज हो जाते थे, और घर पे आके कहीं ना कहीं हम अपने होमवर्क को करना या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए टाइम टेबल को फॉलो करते थे। जैसा कि अभी हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है जो अप्रैल 2020 एंड मार्च 2021 तक जाएगा फॉर 1 ईयर, इसकी जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो हमारी पढ़ाई है वो अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। और ये लॉकडाउन आगे कितना जाएगा ये अभी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हमें जो बात करनी है वो ये है कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो ये है कि हमें एक रूटीन पढ़ाई के लिए जो समय चाहिए होता है वो होता है 12 मंथ्स। तो हमारा पिछले 12 साल से जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है और मार्च में ख़त्म होता है। अब पॉइंट ये है कि हमें अपना सिलेबस कवर करने के लिए एटलीस्ट 9 मंथ्स चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। फिर रिमेनिंग जैन, फेब और मार्च मंथ में हमें इसी सिलेबस का फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवीजन करना है। बेस्ड अपॉन दैट हमें मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ कवर करनी है। अलोंग विद दिस हमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने होते हैं, तब जाके हम ये इतने कॉन्फिडेंस में आ पाते हैं कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम जो मार्च में होता है उसको हम इफेक्टिवली कर पाते हैं। अब ऑलमोस्ट हमारे 10 डेज अप्रैल में कवर हो चुके हैं और अभी हमारा जो सेशन स्टडी है वो शुरू नहीं हो पाई है, और ये आगे कितने दिन तक हमारी नॉर्मल स्टडी को इफेक्ट करेगा ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये सीखेंगे कि हम इस टाइम को, नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी अपनी पढ़ाई को आगे रूटीन में लाने के लिए वो क्या होगी कि हम घर पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने कुछ टाइम, लॉकडाउन टाइम को घर पे यूटिलाइज़ करेंगे, जिसके लिए आप अपनी कोचिंग की वेबसाइट www.kdcclasses.com पे जाएंगे और उसमें अपनी डिटेल्स सबमिट करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये आपकी वेबसाइट है जैसा कि आप देख रहे हैं kdcclasses.com। इसमें आपको ओपन करने के बाद एक लिंक मिलेगा अप्लाई नाउ, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपको जैसा दिख रहा है सबसे पहले आपको अपना नेम, और जैसे क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं इसमें क्लासेस हैं, तो जैसे आप 12th क्लास में हो तो आप इसको टिक करेंगे। इसमें फिर आप अपने सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज़। इसके बाद आप इसमें अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको खास ध्यान ही रखना है, आपको वही ईमेल एड्रेस डालना है, फिल करना है जिस पे आपको वीडियो लेक्चर सेंड होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर देना जिस पे आपको अपने होमवर्क PDF और जो जिस नंबर से आप हमें अपना होमवर्क सेंड किया करेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल के इसको सबमिट कर देंगे, ये डिटेल्स हम तक पहुंच जाएंगी। इसके बाद
जब आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे तो आप एक शेड्यूल टाइम को फॉलो करेंगे और उन वीडियो लेक्चर्स को वॉच करेंगे। मतलब आपका काम होगा वीडियो लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड होंगे उनको देखना, और देखते हुए साथ में जैसे आप फेस टू फेस क्लासेस में नोट्स बनाते हैं क्लासेस के अंदर, उन नोट्स को आप प्रिपेयर करेंगे ड्यूरिंग योर वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ में क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनको आपको नोट करना है और सॉल्व करना है। क्लास के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस आपके होमवर्क में आपको मिलेंगे वो आपको विद इन टू आवर्स आपको जो रजिस्टर्ड नंबर्स आपको दिए जाएंगे उन पे आपको सेंड करना है। अब इन वीडियोस को देखते वक्त हम जो एक सपोर्ट सिस्टम रखना है और उसको मेंटेन करना है उस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन में हमें ध्यान देना है कि हम अपना जो काम है वो ऑन टाइम रखें। मतलब जिस टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स डिलीवर होगा उसी टाइम में आप उसको देखेंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने से 1 आवर बिफोर 1 घंटे पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे कि इतने बजे आपकी वीडियो सीरीज़ आने वाली है। जैसे ही आप उस टाइम पे अपना वीडियो लेक्चर ऑन करेंगे तो आपने अपना सपोर्टिंग मटेरियल, चाहे वो आपके नोट्स हों, अलोंग विद दिस आपके पास पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, आपको पढ़ाई के दौरान बीच बीच में उठ के ना जाना पड़े कि अभी हमें ये चीज़ चाहिए और हमें अब दूसरी चीज़ चाहिए। हमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, जो भी हमें सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए उसको हम अपने पास पहले ही लेके अरेंज करके बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक डाउट सपोर्ट सिस्टम है जिसमें आप वीडियो लेक्चर्स के बाद जो भी आपको डाउट आएंगे आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका होमवर्क होगा वो आपको इन रजिस्टर्ड नंबर्स पे भेजना है। जैसे आपके सामने नंबर है 9999030996, इसमें आप अपना बिजनेस स्टडी का होमवर्क हमें सेंड करेंगे, और आपका जो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का होमवर्क है वो आप इस नंबर पे सेंड करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको चिंता नहीं करनी। हम आपके होमवर्क की, जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उनकी एक वीडियो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप अपने होमवर्क को मैच कर सकते हैं कि हमारे होमवर्क के कितने क्वेश्चन ठीक है या फिर कहाँ पे गलती है, जिससे कि आप अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस लॉकडाउन पीरियड को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी पढ़ाई को रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिए हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट का भी और मोबाइल नंबर भी, और आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।